Yes, boss. Good morning, sir. Aha, good morning, Meera ji. Good morning. कैसी हैं आप? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मेरा जी, रात को मुझे एक बड़ा अजीब सा ख्याल आया. ये ख्याल था कि आपके पति इस उम्र में इतने तंदुरुस्त, इतने चुस्त कैसे हैं? कैसे हैं सर? आपकी स्माइल की वजह से. आपने स्माइल आप उन्हें घुट्टी की तरह पिला दी, घुट्टी की तरह. ओह गॉड सर, हमें भी पिलाई ना अपनी घुट्टी कभी. कौन सी घुट्टी मांग रहे मीरा जी से? वो सर मुझे क्या, बहुत खांसी है तो मैंने कहा इनके पास एक घुट्टी है, देती है सबको. खांसी मुझे भी हो गई है, मुझे भी घुट्टी दीजिए ना मीरा जी. मेरे पास ऐसी कोई घुट्टी नहीं है. एक्सक्यूज मी सर, आई विल बैक. कौन सी घुट्टी मांग रहे थे आप? मैच नहीं हो रहा. हाँ भरत दिख रहा है, दसा तो दिख रहा है, पता नहीं ये लोग कहाँ. नीता. यस सर. मोहन जी आए क्या? सर अब तक आए नहीं है. पता नहीं ये आदमी कब टाइम पे आएगा. जीजू मेरी लॉलीपॉप का है. तुम्हें मालूम है ना रोज लाता हूँ, सबके सामने क्यों पूछती हो? थैंक यू. हाँ सुनो, वो जो काला खट्टा का प्रोजेक्ट है ना उसको पूरा करो और मेरे कैबिन में लेके आओ. कौन सा प्रोजेक्ट? अरे काला खट्टा जो आप रोज पीती हो, उठा करके आओ. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है. डेढ़ बज रहे. अरे नथिंग न्यू यार, लेट आना तो मोहन जी की पुरानी आदत है. नीता, लेट वो लोग आते हैं जिन्हें ना अटेंशन अट्रैक्ट करने का कॉम्प्लेक्स होता है. ऐसी कोई बात नहीं है यार, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. हम तो बिलीव करते हैं वो इंग्लिश सेइंग है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जब जागो तब सवेरा. बस आई रियली वंडर कि आपका सवेरा क्यों होता है, आपकी आंख खुलती क्यों है, आपकी आंख हमेशा हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो जाती? एक्सक्यूज मी सर, अगर मेरी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई तो मीरा मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगी. आपको उनकी चिंता क्यों है, आप उनके पति हैं? जी नहीं, लेकिन मैं उनके पति देव का घनिष्ठ मित्र हूँ, बहुत प्यारा दोस्त हूँ और मुझे उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि मैं उनकी प्रॉपर्टी यानी कि मीरा मैडम की रक्षा करूँ. प्रॉपर्टी? इधर आइए, इधर आइए. हमेशा रॉन्ग चैनल. She is nobody's property. वो किसी की property नहीं है, वो सिर्फ मेरी हमारी colleague है. She is a beautiful woman. She is a beautiful lady. You understand? Okay, sir. She is nobody's property. समझे ना आप? She is working in this office. Okay? नमस्ते वर्मा साहब. नमस्ते पांडू, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ साहब. Good, good. कौन है सर? ये हमारा नया पियोन है, ये हमारे लिए चाय कॉफी लाएगा personally. सर सर मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ सर? तुम चमचागिरी करने के लिए मोहन जी की चमचागिरी करो. सर ये तो जबरदस्ती बुला लेते गप्पे मारने. देखो तुम्हें इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम ऑफिस में काम करते हो करते रहो. तुम काम करते रहो और यस सर. मोहन जी वर्मा साहब का पर्सनल प्यून खतरे की घंटी है. नहीं भारत नहीं, कोई भी शख्स हो, किसी भी चेयर पर बैठा हो, उसकी प्राइस होती है, वो बिकता है. वी विल बाय हिम आउट. मैं हूं ना, रो मत, रो मत. आसिफ पहुंच. देखो इस ऑफिस में आजकल बहुत गड़बड़ चल रही है. वो तो हर ऑफिस में चलती है साहब. मैं किसी और ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ पांडू, मैं इस ऑफिस की बात कर रहा हूँ. तुम इस ऑफिस में काम करते हो, राइट? यस. देखो इस ऑफिस में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है, इसका नाम मोहन है. मोटा सा. वो हमारे ऑफिस की एक क्रिएटिव हेड है मीरा जी, उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है. वो काफी सुंदर है क्या? अच्छा. Shut up, this is none of your business. देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मोहन जी के साथ दोस्ती बनानी है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके मुझ तक फीड करनी है. यस सर, मैं मोहन जी से इतनी दोस्ती करूंगा कि वो अपना हर सीक्रेट मुझे बताएंगे और वो सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा. सीक्रेटली अंडर कवर सारा. आपके केबिन का ऐसे चालू है क्या? आप सॉरी, आप किससे बात कर रहे हैं? कौन है ये? अभी ये सर मेरा पर्सनल प्यून है पांडू. पर्सनल प्यून है? तो इनको कहो ना कभी कभी मेरा भी काम कर ले, थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा. शट अप इडियट, ये हमारे बॉस हैं, बिग बॉस. करेगा तो थप्पड़ मारे कराऊंगा. मेरी केबिन कैसे बंद है, आपके केबिन में बैठूं? यस, थैंक यू, थैंक यू. बम बम बम. अरे बम नहीं, ये मोबाइल है. मोबाइल मेरे लिए गिफ्ट है? नहीं गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं. देखो तुम इस मोबाइल के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक फीड करोगे और मैं तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन का पास हो दूंगा. 500 रुपीस पर इन्फॉर्मेशन. ओके, ओवर एंड आउट. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा एडवांस दे दो ना, जेब खाली है. तुम छोटे लोगों की ये प्रॉब्लम, काम करने चले आते हैं वर्किंग कैपिटल होती नहीं. थोड़ा 500 रुपये. थैंक यू सर, ओवर एंड आउट. थैंक यू. मोहन जी जेल में पिस्तौल आ चुका है.
जिसकी भी सॉलिड उसका भी बड़ा आजकल आप हमारे टी स्टॉल में नहीं आते क्यों क्या बात है मेरी चाय पत्ती खराब है या मैं चाय गंदी बनाता हूँ अरे हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर चाय पीने थोड़ी आते हैं यार तो किस लिए आते हैं यहाँ पे वो क्या जब वर्मा साहब बहुत पकाते हैं ऑफिस में तो गप्पे मारने के लिए टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं इसका मतलब मैं चाय घटिया बनाता हूँ जब तक तू चाय फ्री में पिलाता तब तक अच्छी लगती है लेकिन जब तू पैसे लेता है तो कड़वी लगती है अरे आप लोग यहाँ ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं ए पांडो तू यहाँ क्या कर रहा है चल निकल क्या भरत भाई क्यों मुझे भगा रहे हो भाई कोई अच्छुत हो ए तू अपोजिट पार्टी का हमारे पार्टी में तेरे को एंट्री नहीं चल निकल निकल हाँ। क्या साधु तू भी एक प्यून हो क्या ऐसी बात कर रहे अरे जैसे हिंदी चीनी भाई भाई वैसे प्यून प्यून भाई भाई होते हैं अरे काय भाई भाई हम लोग जानते रहिए यहाँ पर तू यहाँ हमारे दोस्त सद्दू का हक मारने के लिए आया निकल यहाँ से निकल चल फुर्ती हो चल चल नहीं मोहन जी मैं यहाँ किसी का हक मारने नहीं आया हूँ वर्मा साहब ने मुझे इसलिए यहाँ रखा है कि ये सदु को भी अच्छी नहीं माना था तो एक ही बात है ना फिर अगर आप कहते हैं तो मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ अरे यार तू नौकरी मत छोड़ना वरना वर्मा साहब हमारा ही खून पिएंगे नहीं मैं नौकरी छोड़ देता हूँ मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ कि गाँव में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है वरना डबल एम ए होके मैं ये नौकरी क्यों करता तू डबल एम ए हाँ मोहन जी और तेरी माँ भी बीमार है हाँ मोहन जी तू फिर भी ये प्यून की नौकरी कर रहा है हाँ मोहन जी मोहन जी मोहन जी अपना तजुर्बा बोलता है ये आदमी है ना ये एकदम अच्छा आदमी है अपन दिल से बोलता है ये आदमी एकदम सच्चा है अच्छा आदमी है ये पक्की बात है हाँ मोहन जी सच बोल रहा है तू हाँ मोहन जी अगर ये बात है फिर तू आज से हमारे गैंग में शामिल है ला हाथ मिला क्या हो रहा है यहाँ पर आप लोग ऑफिस के बाहर इतनी देर से क्या कर रहे हो वीपी साहब ढूंढ रहे हैं जाओ चलो चलो मोहन जी चलो चलो मोहन जी कहीं नहीं जाएंगे वो मेरे साथ घर जा रहे हैं अच्छा ठीक है चल चल भरत चल अच्छा मोहन जी नमस्ते मैडम जी नमस्ते नमस्ते अब ये कौन है बड़ा अच्छा आदमी है वर्मा साहब का नया प्यून है पांडू नाम है इसका देखो वर्मा साहब का आदमी है ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाना अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो गया ना लेने के देने पड़ जाएंगे नहीं नहीं मीरा बड़ा अच्छा आदमी है हमने उसको अपने अपने गैंग में भी शामिल कर लिया है मोहन याद रखना शाम को जितना भी दूध पिलाओ ना मौका मिलने पर काठी लेता है अपने तो ऐसे वैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी हेलो हाँ वर्मा साहब मैं पांडू बोल रहा हूँ वर्मा साहब मोहन जी और मीरा मैडम साथ साथ निकल गए मीरा जी के घर पे जा रहे ओके ओवर एंड आउट टाइम पे पहुंचे घर आज मीरा काम तो ज्यादा किया नहीं लेकिन फिर भी थकावट तो हो ही जाती है कितना हो भैया लो 50 ओके थैंक यू चल मोहन जी आप यहाँ मीरा जी के साथ सर एक्चुअली मैं मैडम को यहाँ पर घर तक ड्रॉप करने के लिए आया था ड्रॉप कर दिया ऑटो भी चला गया पैसे भी दे दिया आपने ड्रॉप कैसे करना है सर आई थॉट कि आप ड्रॉप कर ही दिया तो अंदर जाके बंटी जी को मिल लूं बंटी जी घर पे नहीं है तो आई थॉट कि आंटी जी से एक कप चाय पी लूं चाय की पत्ती खत्म हो गई आंटी जी ने बताया कल ही तो मैं लाया था 2 किलो व्हाट आमिर बंटी जी ने कल 2 किलो हर्बल टी मंगाई थी सर मुझसे एनीवे आपकी वो नाला सुपारा लोकल वेट कर रही है आपका हां अच्छा याद दिला दिया सर आई विल मेक अ मूव ओके हाय मेरे लेट्स हाय विनोद कविता तुम क्या कर रही हो यहाँ पे मैं तो शॉपिंग लेने निकली थी और मैंने देखा कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पेड़ के पीछे पार्क हुई है वैसे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर मैं छोड़ने आया था मीरा जी को मोहन जी को ड्रॉप करने आया मैंने खुद मीरा जी और मोहन जी को रिक्शे से उतरते हुए देखा भाई मेरी गाड़ी रिक्शे को फॉलो कर रही थी ना अच्छा हो गया ना चलो 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 मैं आ रहा हूँ बिकॉज मुझे मीरा जी से बड़ा ऑफिशियल डिस्कशन करना है मीरा जी ये विनोद आपके साथ ऑफिस में कोई ऑफिशियल डिस्कशन नहीं करता क्या ऑफ कोर्स करते हैं ना तो फिर कुछ रह क्या होगा है ना हाँ रह गया रहेगा वो संगम सारिस का मीरा जी वो जो हमें शूटिंग प्लान कर रहे हैं वो देखना क्या होगा एवरीथिंग सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं सर वो कल ऑफिस में कर लेंगे डोंट वरी सुन लिया मीरा जी को चलो 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 ओके सर चलो थैंक गॉड मीरा आज तो बाल बाल बच गए हम लोग हाँ मोहन लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती वर्मा साहब को पता कैसे चला कि हम लोग ऑफिस से साथ में निकले हैं आई डोंट नो पता नहीं चलो लेट्स गो इन चलो वो लोग चले गए अब तो झाड़ फेंक दो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट
गिरा गिरा। मोहन जी कॉफी लीजिए। तो क्या कर रहा है पांडू, हमको क्यों कॉफी पिला रहा है यार? वर्मा साहब को मालूम पड़ गया ना, खाम खा बिगड़ेंगे तेरे ऊपर। हमारे लिए नहीं आया यहाँ पर, उनके लिए आया भाई। क्या करेंगे वर्मा साहब, मुझे काम से निकाल देंगे इतना ही ना। अरे आपकी दोस्ती के लिए वो भी मंजूर है। क्या बात है यार, सद्दू इसको बोलते हैं दोस्त। थैंक यू डार्लिंग। सद्दू ये तेरे लिए। नहीं मंडू थैंक यू। ये यार तू भी क्या याद करेगा। क्या बात है मोहन जी, ये लीजिए पिक्चर की दो टिकटें। हमारा दिल आपके हाथ में है, बॉक्स की कॉर्नर की टिकट है। पक्का मोहन जी किसके साथ जा रहे हैं? अरे मैं पिक्चर जाऊंगा मेरा मैडम के साथ, वो भी ऑफिस आवर्स में पंक मार के। मैं जरा वर्मा साहब को कॉफी पिला के आता हूँ। पिला के मोहन जी आपकी तो निकल पड़ी। मैं बताऊँ बंक मारने का मजा ही कुछ और है यार। मोहन टिकट्स मिल गई? हाँ डार्लिंग टिकट्स आ गए हैं। पिक्चर का नाम है हमारा दिल आपके हाथ में है, बॉक्स की टिकट है, वो भी कॉर्नर सीट्स। मोहन ऑफिस आज में बंक मार के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात करते हो मीरा, अरे कॉलेज में हम लोग यही तो करते थे, तुम्हें याद नहीं? तुम मेरे क्लासरूम में आती थी, मुझे वहां से बाहर निकालती थी खिड़की में से, उसके बाद साइकिल पे बिठा के पिक्चर दिखाती थी, फिर खाना खिलाती थी, फिर मुझे हॉस्टल में छोड़ती थी। सबके सामने तो झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम ले जाते थे मुझे। बात तो एक ही है ना यार, बंक मारने में मजा कुछ और है। आओ पांडू आओ, क्या खबर लाए? सरदार सर, एक कमाल की खबर लाया हूँ। बोलो। मीरा जी मोहन जी के साथ क्या? मीरा जी मोहन जी के साथ क्या? वही तो बोल। मैं पूछ रहा हूँ मीरा जी मोहन जी के साथ क्या? फिल्म देखने जा रही है। कह दो कि ये झूठ है। मुझे छोड़ो ना। कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं ये दोनों? हमारा दिल आपके हाथ में है। कह दो कि ये झूठ है। ये सच है सर। कह दो कि ये झूठ है। ये सच है सर। कह दो कि ये झूठ है। ये सच है सर। मुझे छोड़िए ना। I'm sorry. हमारा दिल आपके और मोहन जी आपका दिल विनोद वर्मा की लात। जरा जल्दी चलिए मैडम, फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे बाबा मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम होता है, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू गेट आउट। टैक्सी। एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही। जब नहीं चाहिए होती हजारों घूमती रहती हैं। टैक्सी। भाई साहब अगले मोड़ तक छोड़ देंगे, हमें टैक्सी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी भाई साहब। मीरा जी जी आप क्या कर रही हैं इनके साथ? वो कावेरी सारीज भाई जो क्लाइंट है ना सर, उनके साथ मीटिंग कर ली थी। वो तो आपने कल कर ली है ना? राइट कर ली है, मैं भूल गई थी, सॉरी। आजकल आप भूलने को ज्यादा लगी हैं मीरा जी। वेल तो एनीवे आपके पास 3-4 घंटे खाली हैं। हाउ अबाउट वाचिंग अ फिल्म? एक नई फिल्म लगी है हमारा दिल आपके हाथ में, मेरे पास ये दो टिकट्स हैं। सर एग्जैक्टली सर वही फिल्म के लिए बंटी जी मैडम को लेके जा रहे हैं हमारा दिल आपके। फिल्म का नाम है हमारा दिल आपके हाथ में, हमारे दाढ़ी आपके हाथ में नहीं है। दिस इज फॉर यंग पीपल। मीरा जी कम ऑन करें, कम ऑन करें, कम ऑन। और मोहन जी नाला सुपार की लोकल ट्रेन आपका वेट कर रही है। मैडम कल मिलेंगे फिर हैं? कल मिलेंगे मैडम, कल सवेरे सवेरे सवेरे। क्या हुआ मोहन जी, अकेले खड़े फिल्म देखने नहीं गए? क्या करूं यार, वर्मा साहब मेरी नाक के नीचे से मीरा मैडम को ले गए अपने साथ। मोहन जी क्या हो गया, वर्मा साहब ने आपको फिर से परेशान किया क्या? नहीं यार। आप बोलो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। ना, 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 ना। पांडू ना 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 ऐसा मत कर यार, मेरे लिए तू क्यों नौकरी छोड़ेगा? देख फिर क्या कि तेरी माँ भी बीमार है, तूने डबल एमए भी किया हुआ। ना, ना, ना यार तेरी आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ए फुके कब तक इस तरह रूठे रहोगे? ऑफिस से आके कपड़े भी नहीं बदले तुमने, खाना नहीं खाना है क्या? मेरा मूड खराब है, मेरे मुंह मत लगिए वरना मैं कुछ कर बैठूंगा सासूमा। प्लीज क्या कर बैठोगे? मैं आई एम वेरी अपसेट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अरे मैं क्या डिस्टर्ब करूं तुम्हें? डोंट ट्रबल मी प्लीज, आई एम टेलिंग यू कुछ कर। अरे मम्मी मैं क्यों चिल्ला रहे हो तुम?
लाऊं? वर्मा मैं चिल्ला नहीं सकता, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो तो किस पे गुस्सा निकालूं मैं अपना? मोहन मोहन काम डाउन, किसी और दिन चलेंगे पिक्चर देखने। ओके? वो बात नहीं है, आज मेरा मूड था, टिकट आ गए थे, आई वॉन्टेड टू सी द फिल्म, लेकिन वर्मा के बच्चे ने सारे प्लान पे पानी फेर दिया। अरे भाई, मेरा वर्मा बेटा मेरी मीरा बेटी को एक दिन पिक्चर दिखाने ले भी गया तो क्या हुआ? यार किस तरह की माँ हो तुम, किस तरह की सास हो तुम, किस मिट्टी से बनी हो तुम? अरे एक औरत को एक पराया मर्द फिल्म के लिए लेके जाता है तो उसका पति जलेगा नहीं, उसका पति डिस्टर्ब नहीं होगा? तुम नहीं जाते पराई औरतों के साथ? मैं किसी पराई औरत की तरफ देखता भी नहीं हूं भाई। प्लीज गेट आउट नाउ। मैं जा रही हूं। मीरा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वर्मा के बच्चे को मालूम कैसे पड़ जाता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, हमारा क्या प्लान क्या है? हाउ डज ही कम टू नो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। नमस्ते मैडम। ओ पांडू, तुम कैसे आ गए? मैडम मैडम ये फाइल देना आपको भूल गया था ना, इसलिए फाइल लेके आया। अच्छा। लेकिन मोहन जी आप इधर। पाडू, I'm very happy with you कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, मतलब तुम ऑफिस आज के बाद भी फाइल वाइल लाके दे रहे हो। लेकिन सुनो, वर्मा साहब को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ था। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं तो आपका दोस्त हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। नहीं, आई नो यार, आई नो, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। मोहन जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर वो डार्लिंग के दाढ़ी के बाल ना झड़ रहे थे तो मोहन जी उसके लिए सरसों का तेल लेकर आए हैं। इतने बालों का क्या करेंगे? वो एनीवे तेल दे दिया आपने? यस सर। अब निकलिए निकलिए। बानू तुम ही निकलो। सर वैसे मैं मेरे हस्बैंड जो है ना वो आने के लिए निकल चुके हैं तो मैं जाने के लिए निकलता हूँ। ओके सर। ये वर्मा साहब अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या बात कर रहे हैं मोहन जी? मोहन जी ये सच है? बिल्कुल सच है, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये पांडू का बच्चा है जो यहाँ की बातें जाके वर्मा के कान में डालता है। मोहन जी ये पांडू आस्तीन का सांप है। मोहन जी इस पांडू के बच्चे को ने छोड़ेंगे नहीं, उसकी हड्डी पसली है। तो जब देखो तुम हाथ पांव से काम लेते हो, कभी दिमाग से काम भी लेना सीखो। क्या मतलब? क्या मतलब? कुछ सोचते है ना कुछ? सदो भरत, आज शाम को मैं मीरा मैडम के साथ लव पॉइंट गार्डन में जरा घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। घूमने जा रहे हैं? तुम भी पागल है यार, लव पॉइंट गार्डन में वो भी मीरा मैडम के साथ भी घूमने जाएगा क्या? वहाँ पर एक बेंच है, बेंच नंबर लव 86, उस पे मैं और मीरा मैडम बैठ के किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ओके ओके मोनी। आओ पांडू आओ, क्या खबर लाए हो? सरदार। सरदार सर, इस बार भी मैं एक कमाल की खबर लाया हूँ। क्या खबर लाया? मीरा जी मोहन जी के साथ। मीरा जी मोहन जी के साथ क्या? नहीं, मीरा जी मोहन जी के साथ क्या? वही मीरा जी मोहन जी के साथ क्या? वही मैं कह रहा हूँ सर, आज शाम को मीरा जी मोहन जी के साथ लव गार्डन जा रही है, वो बेंच नंबर लव 86 पे बैठेंगे। क्यों? अभी लव गार्डन कोई गिल्ली डंडा खेलने तो नहीं जाता है ना सर, रोमांस करने जा रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। मैं आपको एक एक कमाल की खबर दे रहा हूँ और आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। पांडू ये थप्पड़ नहीं है, तो ये तुम्हारा डिसमिसल ऑर्डर है जो मैंने तुम्हारे मुंह पर छाप दिया है। जाओ। लव गार्डन में बेंच नंबर लव 86। मोहन जी हम कमाल। आया नहीं अब तक यार, कहाँ रह गए वर्मा साहब? लव 86, मोहन जी आपने मेरी मोहब्बत का जनाजा निकाला है और मैं आपका जनाजा निकाल दूंगा। आप इस बेंच पे बैठे जरूर हैं लेकिन इस बेंच से आप अपने पैरों पे नहीं जाएंगे, कंधे पे जाएंगे, वो भी चार। Just wait and watch. सर आप लव 86 बेंच पे कैसे बैठे हुए सर? 10 दिनों भी आप इसने मैं लकी को खिला रहे थे। आपने वाइस प्रेसिडेंट को फिजिकली असॉल्ट किया है। सॉरी सर, मैं आपको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ। नो सर। जनाब, ये